हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिंकी शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग ने सुना होगा कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो है फेविकॉल से निकलते हैं, तो आई थॉट कि आई शुड ट्राई इट और मैं आपको बताऊंगी इज इट रियल या फेक न्यूज है। ये काफी ब्लॉगर्स बना रहे हैं कि फेविकॉल से व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। अगर फेविकॉल से ही निकल रहे होते तो फिर इतने सारे पील ऑफ मास्क क्यों बनाए होते। तो एनीवेज, जो भी है, विल सी, आई ट्राई इट, आई शो इट टू यू टुडे कि उससे कुछ होता है या नहीं होता है या इट्स जस्ट अ फेक न्यूज। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। इसके लिए मैं लूंगी फेविकॉल, इसको मैं नोज पे अप्लाई करूंगी। एक्चुअली आई हैव हर्ड अबाउट इट कि फेविकॉल अगर चारकोल पाउडर के साथ मिक्स करके अगर आप अपने नोज पे लगाते हो तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स निकलते हैं, बट सिर्फ प्लेन फेविकॉल से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स निकलते हैं क्या? तो ट्राई करते हैं। सो मैं फेविकॉल ले लेती हूँ, आई अप्लाई इट ऑन माय नोज। इसको अप्लाई करके इसको 5 मिनट्स के लिए ड्राई होने रखना है हमें। तो आप देख सकते हो मैंने मेरे नोज पे अप्लाई कर लिया है। आपको नोज पे अप्लाई करने से पहले एक बार पैच टेस्ट करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे या हैंड पे थोड़ा सा पैच टेस्ट करके देखो कि आपको ये प्रोडक्ट सूट कर रहा है कि नहीं, अगर आपको ये ट्राई करना है तो। और वैसे भी बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो हमारे हैंड्स पे हम लोग लगा लेते थे और उसको ऐसे रिमूव करते थे, तो हमारा पैच टेस्ट ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। तो इवन आज भी हम लोग करते हैं, मतलब एज अ, मतलब मैं तो करती हूँ, मुझे पसंद है। तो मेरा तो अभी तक ये कंटिन्यू रहता है कि हाथ पे लगा के निकालना। सो आई गेस अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट करो। एक्चुअली काफी पील ऑफ मास्क रहते हैं जिससे रेडनेस हो जाता है। सेंसिटिव स्किन है तो आप मत ट्राई करना, बिकॉज आई डोंट नो आपकी स्किन पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, तो इससे बेटर आप ट्राई मत करना। और जिन लोगों को ट्राई करने कर सकते हैं तो इसको मैं अभी ड्राई होने देती हूँ, देखते हैं। 5 to 10 मिनट्स तो लगेगा ड्राई होने के लिए, इसको मैं ट्राई करती हूँ अभी 5 मिनट्स वेट करके। सो अब 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं, आप देख सकते हो ये ड्राई हो गया है नोज के यहाँ पे। तो अब मैं इसको पील ऑफ करके देखूंगी कि सच में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स इससे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो आई होप इसका मुझे तो नहीं फील हो रहा है कि कुछ ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स निकल रहे हैं इससे। आई गेस आप ये देख सकते हो, ये सिर्फ जो उसका सूखने के बाद में एज इट इज निकला है, इसमें ना कोई व्हाइट हेड्स है ना कोई ब्लैक हेड्स है। हाँ, सिर्फ आपको थोड़ी सी स्किन सॉफ्ट फील होगी बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। और मेरे तो कोई व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ज्यादा थे भी नहीं जो इसमें इतना विजिबल हो, बट स्टिल इसमें कुछ नहीं निकला है। सिर्फ जो मैंने कॉम्पैक्ट लगाया हुआ था ना फेस पे, बस वही साथ में निकल गया और कुछ नहीं निकला है। तो ये तो मुझे नहीं लगा कि ये यूजफुल है या ये वर्क करता है। ये सिर्फ और सिर्फ
उसको देखो रेड कर दिया मेरे. तो इसको मैंने निकाल दिया है. इसके ऊपर कोई ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं निकले मेरे, सिर्फ स्किन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है मुझे इसमें. और ये आप देख सकते हो कि जो निकला है सिर्फ कॉम्पैक्ट निकला है और कुछ नहीं निकला इसके साथ में, तो मतलब जो मेकअप किया हुआ था वही निकल गया. रेस्ट तो नो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कुछ नहीं निकले. आई गेस किसके अगर बहुत ज्यादा मोटे मोटे बड़े बड़े ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होंगे तो शायद वो पुल करे उसके साथ में, बट आई डोंट फील सो इट्स वर्किंग. तो ये जो जितने लोग वीडियो बनाते हैं कि फेविकॉल सबसे बेस्ट है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकाल देता है, तो इट्स ऑल फेक. तो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो. प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू.